हेलो फ्रेंड, मैं हूँ नीतू और आज हम बनाएंगे अमरूद की तीखी चटपटी चटनी। वैसे आज तक आपने अमरूद को काले नमक और जीरे के साथ ही इंजॉय करा होगा, पर इसकी चटनी और चटनियों से आपको खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेगी और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं तीखी चटाकेदार अमरूद की चटनी की यह रेसिपी। अमरूद की तीखी चटपटी चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 3 ऐसे साइज़ के अमरूद। अगर आपको यहाँ पर अमरूद की चटनी का टेस्ट खट्टा मीठा चाहिए तो यहाँ ये अमरूद की जगह आप पके हुए अमरूदों का यूज़ करें, पर मुझे अपनी चटनी का टेस्ट तीखा चटपटा चाहिए, इसीलिए यहाँ पर मैं कच्चे अमरूदों का यूज़ कर रही हूँ। और चटनी को तीखा चटपटा बनाने के लिए यहाँ मैंने ली हैं 5 से 6 हरी मिर्च। वैसे चटनी में तीखा आप अपने टेस्ट के अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, इससे चटनी में एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और चटनी के एक खट्टे फ्लेवर के लिए डालेंगे 1/2 नींबू का रस, और आप इसकी जगह खटाई पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पर भूलकर भी टमाटर का यूज़ मत करिएगा, नहीं तो चटनी का टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो ध्यान रखें। और थोड़ा हरा धनिया, वैसे यहाँ पर हरा धनिया आपको अमरूद की क्वांटिटी का आधा रखना है। तो अब सारी चीज़ों को फटाफट से चॉप कर लेते हैं, जिससे चटनी अच्छे से और जल्दी से पिस जाएगी। और देखिए, मैंने हरी मिर्च, अदरक और धनिया को चॉप कर लिया है। और चलिए मैं आपको चटनी के लिए अमरूद को कैसे काटना है वो बताती हूँ। तो अमरूद को बीच में से काट लेंगे, और देखिए यहाँ पर अमरूद का जो ये बीज वाला हिस्सा है तो उसे निकाल देंगे, इसका हमारी चटनी में कोई यूज़ नहीं है, बस हमें चटनी में ये साइड वाला गूदे वाला हिस्सा चाहिए। तो फटाफट से नाइफ़ की हेल्प से अमरूद में से सारे बीज निकाल लेंगे और ऐसे काट लेंगे। और देखिए सारी चीज़ें चॉप हो गई हैं, तो अब फटाफट से एक ऐसा जार लेंगे और सारी चीज़ों को ऐसे जार में डाल देंगे। अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आप चटनी को सिलबट्टे पर ही पीसिएगा, इसलिए कि सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी का टेस्ट और मिक्सी से पिसी हुई चटनी से कहीं ज़्यादा होता है। इसलिए अब स्वाद के लिए डालेंगे इसमें कुछ मसाले। तो पहले डालेंगे 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक, स्वाद अनुसार 1/4 चम्मच ही काला नमक, और 1/4 चम्मच से कम काले मिर्च पाउडर, इससे चटनी में एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो ज़रूर ऐड करें। अगर आपके पास काले मिर्च पाउडर नहीं है तो 3 से 4 काले मिर्च को कूट कर जार में डाल दीजिए। और चटनी के खट्टे फ्लेवर के लिए डालेंगे 1/2 नींबू का रस, इससे चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो भूल कर भी स्किप ना करें। और अब हमें चटनी में और कुछ भी नहीं डालना है, बस चटनी को एक बार चलाकर और उसके बाद 1/2 कप पानी डालकर चटनी को पीस लेंगे। तो जार का ढक्कन बंद करके चटनी को दरदरा पीस लेंगे। यहाँ पर आपको चटनी का एक फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, तो ध्यान रखें। और देखिए चटनी हमारी पीसकर तैयार हो गई है, तो जार का ढक्कन खोलेंगे, और जार के ढक्कन को खोलते ही चटनी में से अमरूद और हरे धनिए की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और देखिए हमारी चटनी बहुत अच्छे से पिसी है, जैसे हमें चाहिए थी, हल्की दरदरी, एकदम परफेक्ट। तो चटनी को फटाफट से पलट देते हैं इस बोल में। और ये देखिए फ्रेंड, हमारी चटनी देखने में कितनी अच्छी लग रही है, और स्वाद तो आपको इसको घर पर बनाने के बाद ही पता चलेगा कि इसका स्वाद कितना अमेजिंग है। और फ्रेंड, चटनी को मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ कि हमारी चटनी कितनी अच्छी और कितनी लजीज बनकर तैयार हुई है। और आ गया ना चटनी को देखकर मुंह में पानी। फ्रेंड यकीन मानिए, ये अमरूद की चटनी खाने में आपको बहुत बहुत टेस्टी लगेगी, जिसे आप किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, जैसे पूड़ी, पराठे, रोटी, दाल चावल, कड़ी चावल, किसी के साथ भी, ये सभी के साथ फिट बैठती है। तो ज़रूर ज़रूर बनाइए घर पर एक बार, और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट में बताना ना भूलेगी ये चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर फ्रेंड आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलती हूँ एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, जब तक के लिए बाय बाय।